नमस्कार दोस्तों, इस पोस्ट में दोस्तों शेयर कर रहे हैं पितृपक्ष से संबंधित सारी जानकारी। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बेहद खास महत्व माना जाता है। इन दिनों में पितरों का श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने और उनका श्राद्ध कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दौरान पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक जल देने का भी विधान है। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष की शुरुआत कब से हो रही है और श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां कौन सी हैं और पितृपक्ष में तिथियों का क्या महत्व है। जानते हैं तिथियों का पितृपक्ष में महत्व। पितृपक्ष में तिथियों का विशेष महत्व होता है। जब पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो उसके हर दिन की एक तिथि होती है। इस साल 30 सितंबर को द्वितीय श्राद्ध है, यानी पितृपक्ष में श्राद्ध की द्वितीय तिथि है। जिन लोगों के पितरों का निधन किसी भी माह की द्वितीय तिथि को हुआ होता है, वे लोग अपने पितरों को श्राद्ध कर पितृपक्ष में द्वितीय श्राद्ध को करते हैं। ऐसे ही जिनके पूर्वज का निधन किसी भी माह और पक्ष की नवमी तिथि को हुआ होगा, वो पितृपक्ष की नवमी श्राद्ध को उनके लिए तर्पण पिंडदान आदि करेंगे। यदि आपको अपने पितरों के निधन की तिथि याद नहीं है तो ऐसे में आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनके लिए श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। और अब जानते हैं पितृपक्ष कब से आरंभ हो रहे हैं। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत इस साल की 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से हो रही है। इस दिन पूर्णिमा की श्राद्ध और प्रतिपदा श्राद्ध है। वहीं पितृपक्ष का समापन 14 अक्टूबर दिन शनिवार को होगा। पंचांग के अनुसार 29 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा दोपहर 3:26 तक है और उसके बाद से अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि शुरू हो जाएगी, जो 30 सितंबर को दोपहर में 12:21 तक है। पितृपक्ष के दौरान तीन तिथियों का विशेष महत्व होता है। आइए इन तिथियों को जानते हैं। पहला भरणी श्राद्ध। पंचांग के अनुसार भरणी श्राद्ध कर 2 अक्टूबर को चतुर्थी श्रद्धा के साथ किया जाएगा। इस दिन श्राद्ध कर्म व तर्पण इत्यादि कर्म करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। और दूसरी श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथि है नौमी श्राद्ध की। शास्त्रों में नौमी श्राद्ध को मातृ श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। इस दिन मातृ पितर यानी कि माता दादी नानी के लिए पिंडदान व श्राद्ध कर्म किया जाता है। और पितृपक्ष की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण तिथि है सर्वपितृ अमावस्या। शास्त्रों में ये विदित है, जिन जातकों को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि याद नहीं है, उन्हें सर्वपितृ अमावस्या के श्राद्ध कर्म व पिंडदान व तर्पण इत्यादि कर्म जरूर इस दिन करने चाहिए। ये तिथियाँ थी महत्वपूर्ण श्राद्ध पक्ष की। और अब नोट कर लीजिए श्राद्ध पक्ष की सारी तिथियाँ। 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार पूर्णिमा का श्राद्ध होगा और 29 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन ही प्रतिपदा श्राद्ध होगा। 30 सितंबर 2023 दिन शनिवार को द्वितीय श्राद्ध किया जाएगा। 1 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को तृतीय श्राद्ध होगा और 2 अक्टूबर 2023 सोमवार के दिन चतुर्थी श्राद्ध किया जाएगा। 3 अक्टूबर मंगलवार के दिन पंचमी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। 4 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन षष्ठी श्राद्ध होगा और 5 अक्टूबर 2023 गुरुवार के दिन सप्तमी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन अष्टमी का श्राद्ध किया जाएगा। 7 अक्टूबर शनिवार के दिन नवमी श्राद्ध होगा, जो कि मातृ नवमी के नाम से जाना जाता है। और 8 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन दसवीं तिथि का श्राद्ध किया जाएगा और 9 अक्टूबर 2023 सोमवार के दिन एकादशी तिथि का श्राद्ध होगा और 11 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन द्वादशी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। 12 अक्टूबर गुरुवार के दिन त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध होगा।
और 13 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या होगी। इसी दिन पितर विसर्जन किया जाता है, पितर विदा किए जाते हैं। इस दिन पितर पक्ष का आखिरी श्राद्ध किया जाता है। मृत्यु तिथि की जानकारी नहीं होने पर इस दिन श्राद्ध करना चाहिए। अगर आपको अपने पितरों के निधन की तिथि की जानकारी नहीं है तो ऐसे में आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनके लिए श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पितर पक्ष 2023 की, और अब इस पोस्ट से हमको आज्ञा दीजिए और स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा सस्नेह नमस्कार।